हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है इस begin.com के यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम अपने मोबाइल के डिस्प्ले को अपने कंप्यूटर स्क्रीन में कैसे देख सकते हैं। मोबाइल के डिस्प्ले को कंप्यूटर स्क्रीन में देखने के लिए आपको टीम व्यूअर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर के लिए टीम व्यूअर एप्लीकेशन का एक ही वर्ज़न है, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और मोबाइल के लिए हमें इस बार नई एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम है टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट। क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन आपके मोबाइल के डिस्प्ले को आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाती है। इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर पर टीम व्यूअर एप्लीकेशन रन करना पड़ेगा और अपने मोबाइल में क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन रन करना पड़ेगा। क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन मोबाइल पर रन करने के बाद ये एक आईडी जनरेट करेगा। उस यूज़र आईडी को आपको अपने डेस्कटॉप के कंप्यूटर के टीम व्यूअर में एप्लीकेशन में डालना है। पार्टनर आईडी में आप अपने मोबाइल से क्विक सपोर्ट आईडी को पार्टनर आईडी में डालें और कनेक्ट टू पार्टनर पे क्लिक करें तो ये आपको मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन से पूछेगा कि आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे यस कीजिए और ये आपको कनेक्ट कर देगा आपके मोबाइल के डिस्प्ले से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके मोबाइल का डिस्प्ले अब खुल चुका है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, डैशबोर्ड का, रिमोट कंट्रोल का, स्क्रीनशॉट लेने का। इससे आप अपनी एप्लीकेशंस भी देख सकते हैं, आपके जो भी प्रोसेस रन कर रहे हैं आपके मोबाइल में वो शो करेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये प्ले स्टोर मैंने अपने मोबाइल में रन किया है, बट मुझे ये अपने कंप्यूटर में नज़र आ रहा है साफ साफ। इसी तरह आप भी अपने मोबाइल में जो भी काम करेंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे साफ साफ नज़र आएगा। इससे आप अपनी बैटरी लाइफ भी देख सकते हैं डैशबोर्ड में जा कर के। डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद आपको आपके फ़ोन का सारा डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा और इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने मोबाइल की एप्लीकेशंस देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने मोबाइल पर अभी कैमरा रन किया है और ये मेरे को मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं जहाँ पर भी कैमरे को घुमाऊँगा वो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। इसी तरह मैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी गेम या कोई भी वीडियो अपने मोबाइल पर रन करूँगा तो वो मुझे मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आएगी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये टीम व्यूवर का एप्लीकेशन क्विक सपोर्ट कितना काम का है और इससे आप काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के बाद आप सीधे कनेक्शन को क्लोज़ कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन खुद ही बंद हो जाएगी और आपकी कंप्यूटर से शेयरिंग है जो स्क्रीन की वो कैंसिल हो जाएगी। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें हमारी फोरम पर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।